आज मैं बना रही हूँ हरी मटर की कचौड़ी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करें। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आटा का डो तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 200 ग्राम मैदा। इसमें डालें स्वाद के अनुसार नमक और 2 से 3 चम्मच तेल। तेल हम यहाँ पे मोयन के लिए डाल रहे हैं, जिससे कचौड़ी हमारी खस्ता बनेगी। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करें। आटा का डो तैयार है, अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। जब तक आटा सेट हो रहा है, तब तक हम मटर को भूनकर तैयार करते हैं। कढ़ाई को गर्म करें, उसमें डालें 1 से 2 चम्मच तेल और थोड़ी सी कटी हुई प्याज। प्याज जब अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें मटर डाल दें। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 200 ग्राम मैदा के लिए 200 ग्राम हरी मटर। मटर को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और इसमें मसाला डालेंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर और गरम मसाला, नमक और लहसुन का पेस्ट। इन सभी को डालकर 1 से 2 मिनट तक भूनकर गैस को ऑफ कर दें। और ये जब ठंडी हो जाए तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लें। और इस पीसे हुए मटर में डालेंगे 1 से 2 चम्मच भुने हुए सौंफ का पाउडर और 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। इन सभी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैदा को अच्छी तरह से मसल कर लोई बना लें और इस लोई को अच्छी तरह से राउंड कर लें। इस मैदे की लोई को राउंड शेप करते हुए इसमें मटर को फिल करेंगे और अच्छी तरह से हाथ से दबाते हुए धीरे से इसे बंद कर देंगे और पाम के सहारे अच्छी तरह से इसे प्रेस करते हुए 1 से 2 बेलन ही धीरे से बेलें, नहीं तो ये फट जाएगी। इसी तरह से सारी पूड़ियां बना कर तैयार कर लें। अब इस तरह से सारी पूड़ियां को बेल कर रख लें। इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करें। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें पूड़ियां डाल दें और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। एक साइड हो जाए तो इसे पलट दें और साइड से प्रेस करते हुए इसे घुमाते रहें और जब ये लाइट ब्राउन कलर की हो जाए तो इसे निकाल लें। इसी तरह से सारी पूड़ियाँ को हम फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए, सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही खस्ता और टेस्टी बने हैं। इसे मैं तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितने अच्छे से पक गए हैं। इसे आप सॉस के साथ नहीं तो चटनी के साथ सर्व करें। कैसी लगी मेरी रेसिपी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।